खिद्यान सपनों की उड़ान। डम 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 डम। अरे छोटू क्या कर? भैया ढोल बजा रहा हूँ। ढोल? मैं कहानी सुनना पसंद करोगे? हाँ क्यों नहीं, पर शर्त याद है ना? हाँ याद है। आज तुम्हें ढा से आने वाले सारे शब्दों को पहचान कर मुझे बताना होगा। ठीक है भैया। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसे संगीत का बहुत शौक था, पर उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। वह सड़कों पर ढपली बजाकर पैसे कमाया करता था। ढसी ढपली। सही। एक बार शहर में संगीत की प्रतियोगिता रखी गई, जहां एक से एक संगीत के महारथी आए, तो उस लड़के ने भी सोचा कि वह हिस्सा लेकर इनाम की राशि जीत लेगा और उससे पेट भर के खाना खाएगा। पर जब वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गया तो उसकी पुरानी सी ढपली और फटे कपड़े देख उसका मजाक बनाकर वहां से ढकेल कर लौटा दिया गया। ढसे ढकेलना अच्छी बात नहीं थी। अच्छी बात तो नहीं थी, पर वह लड़का यह अपमान बर्दाश्त ना कर सका, क्योंकि वह तो बस अपना जौहर का एक नमूना दिखाना चाहता था। तो वह वापस गया और अपने घर से औजार निकाले, लकड़ी काटी और आपस में जोड़कर एक ढांचा तैयार करने लगा। ढांचे ढांचा। उसने एक गोल पाइप जैसा खोखला ढांचा तैयार किया जो दो तरफ से खुला हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर रंग लगाकर उसे सजाया और काम चलाऊ रस्सी के टुकड़ों से दोनों तरफ ढक्कन लगाकर ढका। ढसे ढक्कन ढसे ढका। और एक बड़ा सा ढोल तैयार कर लिया। ढसे ढोल डम डम डम। लड़के ने अपने बनाए ढोल को जब पीटा तो बहुत जोर से आवाज आई और आसपास के लोग वहां जमा हो गए और लड़के का बनाया ढोल सबको पसंद आया। इस सब मेहनत में दिन ढल गया था, तो लड़का रात को आराम करने के बाद अगले दिन अपना ढोल लेकर उस प्रतियोगिता में पहुंचा और वहां हिस्सा लिया, और उसका ढोल देखकर उसे कोई रोक भी ना पाया। ढसी दिन ढलना। अपनी बारी आने पर उसने ढोल बजाना शुरू किया। उसकी ढोल की ढम ढम की ताल पर ढसी ढम 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 सब झूम उठे। वो लड़का प्रतियोगिता भी जीता और इनाम में मिले पैसों से ढाबे पर जाकर खूब पेट भर के खाना खाया। ढसी ढाबा। ये आखिरकार वो जीत गया। हाँ भैया मुझे भूख लगी है, कुछ फटाफट बनाओ ना। अच्छा चलो 2 मिनट दो, अभी नूडल बना के लाता हूँ।